गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीवो वाई 15 मोबाइल में ऐप को कैसे हाइड किया जाता है। दोस्तों, ए टू जेड कोई सी भी ऐप हो आप हाइड कर सकते हो, फ्री फायर हो या पबजी हो, किसी भी ऐप को दोस्तों बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल में आप छिपा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, फाइनली जो है मैं वीवो वाई 15 के मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों आ गया हूँ। मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बिना एप्लीकेशन के दोस्तों आप वीवो वाई 15 मोबाइल में दोस्तों ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, दोस्तों जो मोबाइल की सेटिंग आती है, सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड का। तो दोस्तों, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए सेट पासवर्ड का ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको एक 6 अंकों का नया सा पासवर्ड दोस्तों बना लेना है, नया सा। तो दोस्तों, मैं जो है नया सा पासवर्ड बना लेता हूँ 6 अंकों का फटाफट। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ। उसके बाद एक बार और दोबारा से दोस्तों री एंटर करेंगे। तो फटाफट जो दोस्तों मैं दोबारा से डाल लेता हूँ, इसमें डाल दिया। उसके बाद दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पर दोस्तों, जो आंसर का ऑप्शन दोस्तों देखने को मिला होगा आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नाम से कोई डाल लेना है। जब भी आप कभी पासवर्ड भूलोगे तो दोस्तों रीसेट करने के लिए पासवर्ड आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कुमार, खाली मैं डाल लेता हूँ। जब भी मैं पासवर्ड भूलूँगा तो कुमार डाल के जो है मैं पासवर्ड को रीसेट कर पाऊंगा। सबको डालने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए राइट साइड में आपको फिनिश का ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों, इसी फिनिश के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब दोस्तों ऐप हाइड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में हाइड ऐप का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो हाइड ऐप के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों टोटल एप्लीकेशन आ जाएंगी जितने भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं। तो दोस्तों जो है जिस ऐप को आप हाइड करना चाहते हैं दोस्तों वो ऐप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं पबजी करूँगा, तो ऑन किया इसको नोटिफिकेशन को, उसके बाद नेवर पे टिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे दोस्तों ओके करेंगे तो दोस्तों ये ऐप हाइड हो चुकी है। दोस्तों मैं पबजी लाइट को भी हाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बैक करके दिखा दूँ ये ऐप हाइड हुए हैं या नहीं हाइड हुए हैं। तो जैसे मैंने बैक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक साइड स्क्रॉल करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं भी हमको पबजी मोबाइल या पबजी लाइट नहीं देखने को मिल रही। तो दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों ये ऐप हाइड हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं या पबजी को जो है चलाना चाहते हैं तो दोस्तों फिर से आप लोगों को सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करेंगे, फिर से दोस्तों वहीं पे जाएंगे फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे दोबारा से। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपने अभी अभी पासवर्ड दोस्तों 6 अंकों का बनाया है वही पासवर्ड दोबारा से दोस्तों यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं फटाफट अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद ओपन हो गया। अब दोस्तों जो ऐप अगर आपने हाइड किया हो यहाँ से चलाना चाहते तो चला भी सकते हैं। व्यू ऐप्स का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे जितने भी आपने हाइड करके ऐप रखे हैं तो दोस्तों टोटल यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आप चला भी सकते हैं, और अगर आप जो है फिर से होम स्क्रीन पे लाना चाहते हैं ऐप को तो दोस्तों वो भी मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर से जो सेटिंग ओपन करेंगे वही सेम प्रोसेस है, वहीं जाएंगे अपना पासवर्ड डालेंगे,
पासवर्ड फटाफट डालने के बाद दोस्तों हाइड ऐप का ऑप्शन दोस्तों देखने को मिल रहा है, तो इसी हाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपने टिक लगा के रखे हैं दोस्तों इस टिक को बंद कर देंगे। जैसे ही दोस्तों बंद कर देंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को बैक करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही बैक किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पबजी मोबाइल पबजी लाइट दोनों दोस्तों हमारे जो है अनहाइड हो चुके हैं, मतलब होम स्क्रीन पर फिर से दिखने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों किसी भी ऐप को आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।